हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर करूंगी इसको आप चाहो तो आसन की तरह थाल पोस की तरह टेबल चेयर किसी पे भी यूज़ कर सकते हो और देखिए मैंने दो कलर से बनाया हुआ है ये येलो कलर और ब्लैक कलर आप चाहो तो किसी और कलर से भी इसको बना सकते हो और यहाँ पर मैंने देखिए ऊन से बनाया है और ऊन को देखिए इस तरीके से डबल कर लिया है देखिए दोनों ऊन डबल की हुई है अगर आपके पास मोटी ऊन है तो आप सिंगल ऊन से भी इसको बना सकते हो और आप चाहो तो इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हो और उस पर आप सिक्स नंबर की सिलाई लगाइए मैंने ऊन से बनाया है तो यहाँ पे मैंने एट नंबर की सिलाई का यूज किया हुआ है देखिए यहाँ पे जो ये डोर मैट बनाया है मैंने चौबीस फंदों में बनाया है इस पर जो फंदे डलते हैं ना दो के मल्टीपल के हिसाब से हमने फंदे डालने होते हैं और आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इस पर दो के मल्टीपल के हिसाब से फंदे बढ़ा सकते हो जैसे मैंने चौबीस फंदे किए हैं आप अट्ठाईस कर सकते हो बत्तीस कर सकते हो और मतलब उस पर दो दो करके आप फंदे बढ़ा लीजिए तो ये आपका जो डोर मैट है वो बड़ा भी बन जाएगा और देखिए कितना अच्छा स्टार की तरह सेप आई है इसकी चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस डोर में डिजाइन को बनाना और देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे चौबीस फंदे मैंने येलो कलर से डाल लिए हैं देखिए यहाँ मैंने येलो कलर लगाया है अगर आपने किसी और कलर से बनाना है तो आप उसी कलर से फंदे डालिए तो मैं सबसे पहले आपको काउंट करके बता देती हूँ देखिए फंदे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस ये मेरे चौबीस फंदे हैं अब तो देखिए जो हमारी फर्स्ट रो आएगी वो बैक साइड से आएगी और यहाँ पे देखिए जो पहला फंदा है ये हमने उतार लेना है इसको हमने बनाना नहीं है हर बार हम उतार लेंगे इसको बैक साइड से और उसके बाद देखिए सात फंदे बनाने हैं इसको मिला के हमारे आठ फंदे हो जाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ आठ फंदे हमने बना लिए फिर से आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे, यहीं से ही हमको फ्रंट साइड पे आना है फिर से देखिए हमने ये आठ फंदे उल्टे बना लेने हैं देखिए सात फंदे उल्टे बनाएंगे, लास्ट का एक फंदा हमने सीधा बनाना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, सात और लास्ट का एक फंदा हम सीधा बना लेंगे उसके बाद आ जाएंगे देखिए बैक साइड पे अब हमने क्या करना है यहाँ से कलर चेंज करना है बैक साइड से जब भी आप कलर चेंज करो बैक साइड से ही करना है तो देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह ब्राउन कलर लगा रही हूँ आपको जो भी कलर लगाना है लगा लीजिए उसके बाद देखिए हमने धागे को अटैच कर लेना है फर्स्ट फंदे में उसके बाद हमने पूरी की पूरी रो और साथ में देखिए ये वाला जो धागा इसको भी अटैच करते हुए जाएंगे पूरी रो हमने इसी कलर से बना लेनी है पूरी रो में इसी कलर से बना लूंगी देखिए बैक साइड से पूरी रो बना ली है लास्ट का एक फंदा बचा है इसको भी हमने उल्टा बना लेना है आ जाएंगे फ्रंट साइड पे देखिए फ्रंट साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे इसको भी हमने बनाना नहीं है नहीं तो क्या होगा यहाँ पे बड़ा होल हो जाएगा जो सेंटर है ना तो इसीलिए हमने फर्स्ट फंदा यहाँ से उतार लेना है उसके बाद बाकी की रो हमने फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेना है तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी देखिए फ्रंट साइड से सारे फंदे बना लिए हैं अब हमने क्या करना है लास्ट का एक फंदा बचा है इसको हमने सीधा बनाना है आ जाएंगे हम बैक साइड पे बैक साइड पे अब हमने क्या करना है फिर से हमने येलो कलर लगाना है तो देखिए येलो कलर को हमने अटैच कर लेना है उसके बाद देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना जब हमने येलो कलर से तो आठ फंदे बनाए थे अभी हमने दो प्लस करके यहाँ पे दस फंदे बनाने हैं देखिए दो तीन और ये जो उतारा था इस फंदे को भी हम काउंट कर लेंगे तीन फंदे हो गए मेरे चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस पहली सिलाई में आठ फंदे अभी हमने दो बढ़ा के दस फंदे कर लिए हैं उसके बाद हमने फ्रंट साइड पे आ जाना है यहीं से ही देखिए ये येलो कलर जो हमने दस फंदे बनाए थे इनको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है लास्ट का एक फंदा बचेगा धागा पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे आ जाएंगे हम बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे फिर से हमने कलर चेंज करना है उसके बाद ये ब्राउन कलर लगा लूंगी मैं देखिए काले की जगह मैंने ब्राउन कलर लगाया हुआ है उसके बाद फिर से हमने ये वाली रो ब्राउन कलर से सारे ही फंदे इसी कलर से बनाने हैं लास्ट का एक फंदा छोड़ना है देखिए जब हम येलो कलर से बना रहे हैं ना तो ये आधे से मैंने पलट लिया पहले दस सॉरी पहले आठ फंदे बनाए फिर मैंने दस फंदे बनाए अभी ये मैं पूरी रो यहाँ तक बना लूँगी एक फंदा छोड़ना है देखिए ये जब हम इस कलर से बनाएंगे ना तो हमने सारे ही फंदे बनाने हैं लास्ट में आके एक फंदा छोड़ देना है देखिए लास्ट में आके एक फंदा छोड़ दिया अब हम यहीं से ही पलट जाएंगे देखिए एक फंदा छोड़ दिया है उसके बाद फ्रंट साइड से पूरी रो हमने इसी फंद मतलब इसी धागे से बना लेनी है तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी फ्रंट साइड से देखिए सारे फंदे फ्रंट साइड से बना लिए हैं लास्ट का एक फंदा हमने सीधा बना लेना है फिर से आ जाएंगे हम बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखिए फिर से येलो कलर लगाना है उसके बाद येलो कलर से हमने अभी पहले दस फंदे बनाए थे यहाँ पे छः फंदे सॉरी आठ फंदे थे फिर मैंने दस फंदे बनाए अभी हमने यहाँ पे बारह फंदे बनाने हैं येलो कलर से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह फिर से हम यहीं से आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फिर से हमने ये बारह फंदे येलो कलर वाले बना लेने हैं और लास्ट का एक फंदा जो है वो हमने सीधा बना लेना है धागा पीछे कर लेंगे लास्ट का एक फंदा हमने सीधा बना लेना है फिर से आ गई हम बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखे ये वाला कलर लगाना है और फिर से देखिए हमने सारे फंदे इसी कलर से बना लेने हैं सबसे पहले तो ये जो हमने येलो वाले फंदे हैं इनको बनाना है बारह फंदे ये बना लिए उसके बाद हमने क्या करना है ये वाले फंदे भी इसी कलर से बना लेंगे देखिए फिर से एक फंदा छोड़ दिया यहाँ पे हमने आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है वैसे ही बनाना है मतलब कि ये वाला जो रो है हम इसी कलर से बना लेंगे देखिए लास्ट का एक फंदा बचा है धागा पीछे करके इसको हमने सीधा बना लेना है आ जाएंगे हम बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे देखिए यहाँ पे येलो कलर अटैच कर लेना है देखिए हम दो रो येलो से बना रहे हैं दो हम ब्राउन कलर से बना रहे हैं जब ब्राउन कलर वाले बना रहे हैं तो पूरी रो बना रहे हैं और लास्ट में आके एक एक फंदा छोड़ रहे हैं येल्लो वाले हमने पहले आठ फंदे बनाए फिर दस फिर बारह अब हम चौदह बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह अब हम यहीं से आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे देखिए चौदह के चौदह फंदे हमने येलो कलर से बनाने हैं तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी देखिए लास्ट का एक फंदा बचा है फ्रंट साइड से इसको हमने सीधा बना लेना है आ जाएंगे बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखिए फिर से ब्राउन कलर लगा लेना है फिर से देखिए पूरी रो हम ब्राउन कलर से बना लेंगे सबसे पहले तो ये जो हमने चौदह फंदे बनाए थे इनको बना लेना है दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह उसके बाद देखिए ये वाले फंदे भी अभी हमने इसी से बना लेने हैं जब हम ब्राउन से बना रहे हैं ना तो सारे फंदे बनाने हैं लास्ट में आगे फिर से हमने एक फंदा छोड़ देना है देखिए ये अभी तक हमने तीन फंदे छोड़ दिए फ्रंट साइड पे आएंगे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए सारे फंदे फ्रंट साइड से ब्राउन कलर से बना लिए हैं एक फंदा हमने सीधा बना लेना है लास्ट वाला आ जाएंगे बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने येलो कलर लगाना है अभी हमने यहाँ पे सोलह फंदे बनाने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह फिर से हम यहीं से आ जाएंगे फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड पे पूरी रो हमने देखिए यहाँ पे से येलो कलर से बना लेनी है तो मैं कंप्लीट कर लूँगी इसको देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे ब्राउन कलर लगा लेना है और सारे फंदे हमने ब्राउन कलर से बनाने हैं देखिए ये जो सोलह फंदे हैं पहले इनको बना लेंगे देखिए दो चार एक पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह उसके बाद देखिए फिर से हमने ये वाले फंदे भी बना लेने हैं और लास्ट में आके हमने एक फंदा छोड़ देना है ये हमारे चार फंदे हो गए देखिए दो चार फ्रंट साइड पे आएंगे फ्रंट साइड पे सारे फंदे हमने ब्राउन कलर से बना लेने हैं तो मैं कंप्लीट कर लूँगी इसको देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अब हमने येलो कलर लगाना है पहले हमने सोलह फंदे बनाए थे ना येलो कलर से अभी हमने यहाँ पे दो फंदे और बढ़ाने हैं अठारह फंदे बनाएंगे देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अभी देखिए हमारे दो ही फंदे बचे हैं बनाने देखिए और यहाँ पे मैंने चार फंदे ये एक एक करके छोड़ दिए हैं अब आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे देखिए सारे फंदे अभी हमने येलो कलर से बनाने हैं इस साइड वाले तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे बैक साइड पर फिर से हमने देखिए ये ब्राउन कलर लगा लेना है और ये हमने अठारह फंदे पहले ब्राउन कलर से बना लेने हैं ये येल्लो वाले देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ पे मेरे दो फंदे बचे हैं अभी जो हमने बनाने हैं उसमें से मैं एक फंदा तो बना लूँगी ये हमारे उन्नीस फंदे हो गए और यहाँ पे हमने अब पांच फंदे छोड़ दिए हैं देखिए हर सिलाई पे हमने जब ब्राउन कलर से बनाया था ना फर्स्ट सिलाई में हमने फंदा नहीं छोड़ा था उसके बाद हमने एक एक फंदा यहाँ से हम छोड़ते हुए गए हैं तो देखिए यहाँ पे फिर से आ जाएंगे यहीं से फ्रंट साइड पे घूम जाएंगे फ्रंट साइड पे सारे ही फंदे अभी हमने ब्राउन कलर से बना लेने हैं तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी देखिए फिर से आ गए हम बैक साइड पे। अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ पे हमने इस साइड से एक एक करके जब हम बैक साइड पे आए ना यहाँ पे हम ब्राउन कलर से फंदे छोड़ते हुए गए देखिए हमने एक दो तीन चार पाँच फंदे हमने छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हमने अठारह फंदे देखिए यहाँ तक ये येलो कलर से बनाए थे एक कलर हमारा बीच में बचा था अब हमने क्या करना है देखिए फिर से येल्लो कलर लगा लेना है और येल्लो कलर देखे किस तरीके से लगाना है सबसे पहले तो हमने देखे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह देखिए जब हम येलो कलर से बना रहे थे ना देखिए यहाँ पे येलो कलर से बना रहे थे तो हमने अठारह फंदे बनाए थे अब हमने क्या करना है उससे पहले देखिए जो हमने फंदे बनाए थे वो सोलह थे तो अब हमने जैसे यहाँ से बढ़ाते हुए फंदे गए थे ना अब हमने दो दो करके घटाने हैं तो पहले यहाँ पे अट्ठारह फंदे थे तो अब मैंने यहाँ पे दो कम कर लिए तो अब सोलह ही फंदे हमने बनाने हैं देखिए यहाँ पे सोलह फंदे रह गए मेरे मैं काउंट करके बता देती हूँ देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह पंद्रह सोलह अब आ जाएंगे यहीं से फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे अब हमने पूरी की पूरी रो येलो कलर से बना लेने हैं ये सोलह के सोलह फंदे तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी फिर आ जाएंगे देखिए बैक साइड पे बैक साइड पे अब हमने ब्राउन कलर लगाना है देखिए ब्राउन कलर किस तरीके से बनाना है सबसे पहले तो हमने ये सोलह फंदे बनाने हैं देखिए सोलह फंदे बना लेंगे ब्राउन कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह सोलह फंदे तो हमने बना लिए अब हमने क्या करना है जब हम देखें येलो कलर बनाने के बाद हमने जब ब्राउन कलर से बनाया था ना तो ये हमारे उन्नीस फंदे थे तो अब हमने पहले ये उन्नीस फंदे बनाने हैं मतलब कि सोलह फंदे बना लिए हैं उसके बाद देखिए सोलह सत्रह अट्ठारह और ये उन्नीस उन्नीस फंदे हमने बना लिए जो हमने पहले भी बनाए थे अब हमने क्या करना है इसमें से एक फंदा बनाना है जैसे हम फंदे यहाँ पे कम करते आए थे ना एक एक फंदा छोड़ते अब हमने एक एक करके फंदे बनाते हुए जाने हैं तो यहाँ पे मैं एक फंदा बना लूँगी फ्रंट साइड पे आएंगे फ्रंट साइड पे सारे ही फंदे अब हमने ब्राउन कलर से बना लेने हैं देखिए अभी हमारे उन्नीस फंदे थे ना एक फंदा और बना लिया तो ये हमारे बीस फंदे हो गए तो ये बीस के बीस फंदे हमने ब्राउन कलर से बनाने हैं तो मैं कंप्लीट कर लूंगी फ्रंट साइड से देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे बैक साइड पे फिर से हमने येलो कलर लगाना है तो अब येलो कलर से देखिए हमने पहले सोलह फंदे बनाए थे ना अभी हम चौदह फंदे बनाएंगे देखिए अब हमने दो दो फंदे कम करते हुए आना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह दो फंदे हमने फिर से छोड़ देने हैं फ्रंट साइड से ये सारे फंदे हमने येलो कलर से बना लेने हैं तो मैं कंप्लीट कर लूंगी देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे। बैक साइड पे फिर से हमने देखिए ब्राउन कलर लगा लेना है अब हमने देखिए ब्राउन कलर से पहले हमने यहाँ पे बीस फंदे बनाए थे अब हम इक्कीस फंदे बनाएंगे सबसे पहले तो हमने ये येलो वाले फंदे बना लेने हैं देखिए चौदह फंदे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह पहली सिलाई पे हमने ब्राउन कलर से देखे बीस फंदे बनाए थे एक फंदा हम और बढ़ाएंगे इक्कीस फंदे बनाएंगे देखिए चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस और ये बीस देखिए हमने एक फंदा और बनाना है तो क्या करना है देखिए एक फंदा यहाँ से बनाएंगे जैसे हम छोड़ रहे थे ना बनाते हुए जा रहे हैं उसके लिए देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो जाएगा अभी हम ऐसे ही फंदा बनाएंगे तो उसके लिए हमने एक फंदा यहाँ से उठा लेना है और ये वाला फंदा ये वाला दो का एक करना है फंदा बढ़ाना नहीं है देखिए हमने दो का एक कर लिया फ्रंट साइड से सारे फंदे हमने ब्राउन कलर से बना लेने हैं देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखिए अभी पहले हमने चौदह फंदे बनाए थे अब हम यहाँ पे बारह फंदे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह फ्रंट साइड से देखिए यहीं पे आ जाएंगे और पूरी रो हमने येलो कलर से बना लेनी है बारह फंदे मैं कंप्लीट कर लूँगी देखिए फिर से आ गए हम बैक साइड पे। बैक साइड पे हमने ब्राउन कलर लगाना है पहली सिलाई पे देखिए ब्राउन कलर से हमने 21 फंदे बनाए थे ना अभी हम 22 फंदे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे ये बना लिए उसके बाद देखिए ये वाले फंदे भी हमने बना लेने हैं देखिए तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और ये इक्कीस अभी एक फंदा और बनाना है तो उसके लिए हमने एक फंदा यहाँ से उठाना है और ये वाला फंदा ये वाला फंदा दोनों का एक कर लेना है फ्रंट साइड पे सारे फंदे हमने देखे यहीं से आ जाना है तो ब्राउन कलर से बना लेना है तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी देखिए फिर से आ गए हम बैक साइड पे अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ से हमने फिर से येलो कलर लगाना है अब येलो कलर से हमने दस फंदे बनाने हैं पहले बारह बनाए थे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ एक दस यहीं से आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे सारे फंदे हमने येलो कलर से ही बना लेने हैं दस के दस तो मैं कम्प्लीट कर फिर से आ गए हम बैक साइड पे फिर से हमने ब्राउन कलर लगाना है देखिए ब्राउन कलर से अब हमने यहाँ पे पहले बाईस फंदे बनाने हैं जो हमने पहली वाली सिलाई पे बनाए थे ब्राउन कलर से देखिए पहले दस फंदे बना लेंगे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस उसके बाद ये वाले फंदे भी बना लेंगे ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस फिर से हमने एक फंदा बनाना है तो उसके लिए देखिए एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे हम और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दो का एक कर लेना है फ्रंट साइड पे हमने सारे फंदे ब्राउन कलर से बनाने हैं तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी तो देखिए बैक साइड पे आ जाना है बैक साइड पे फिर से हमने येलो कलर लगाना है येलो कलर से हम हमने आठ फंदे बनाने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ पहली सिलाई में दस फंदे बनाए थे अभी दो फंदे हम कम कर देंगे और फ्रंट साइड से सारे फंदे देखे आठ फंदे ये हमने बना लेने हैं देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे बैक साइड पे अब हमने क्या करना है हमारा एक ही फंदा बचा है देखिए ये ब्राउन कलर से तो अब हमने पूरी की पूरी रो ब्राउन कलर से बना लेनी है पहले तो हमने तेरह सॉरी तेईस फंदे बनाने हैं जो हमने पहले बनाए थे देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये तेईस देखिए जब हमने फंदे डाले थे हमारे चौबीस फंदे थे अब हमारा एक ही फंदा बचा है तेईस फंदे हमने बना लिए हैं फिर से देखिए हमने यहाँ से एक फंदा उठाना है और यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पे हमने दो फंदे का एक कर लेना है देखिए ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दो का एक करेंगे और फ्रंट साइड पे आ जाएंगे फ्रंट साइड पे सारे फंदे हमने ब्राउन कलर से बनाने हैं देखिए पहला फंदा हमने उतार लेना है और उसके बाद सारे फंदे हम ब्राउन कलर से बना लेंगे तो देखिए दोस्तों आखिरी रो बना ली है हमने और ये हमारा जो डिजाइन है कंप्लीट हो गया है अब हमने क्या करना है जैसे हमने पहली रो बनाई थी ना उसी को रिपीट करेंगे देखिए रिपीट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा क्योंकि हमने देखे स्टार्टिंग के जो आठ फंदे बनाए थे ना उनको हमने बना लिया है अब हमने क्या करना है फिर से देखिए आ जाएंगे हम यहाँ पे बैक साइड पे येलो कलर लगाएंगे देखिए मैं आपको स्टार्ट करना बता देती हूँ आठ फंदे हमने बना लिए हैं अब हम दस फंदे बना लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस फ्रंट साइड पे आएंगे। फ्रंट साइड पे हमने दस फंदे ये येलो कलर से बना लेने हैं देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अब हमने ब्राउन कलर लगाना है तो ब्राउन कलर से अब हमने देखिए पहला फंदा ये हमने इस पर अटैच करना है पहले तो हम दस फंदे ये बना लेंगे देखिए जो हमने येलो कलर से बनाए हुए हैं तो देखिए दो चार छ सात आठ नौ और ये दस उसके बाद हमने तेरह फंदे बनाने हैं एक फंदा छोड़ देना है जैसे हमने फंदे छोड़ते हुए गए थे ना फिर से हमने उसी तरीके से फंदे छोड़ने हैं देखिए दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस एक फंदा छोड़ देंगे फ्रंट साइड पे आएंगे फ्रंट साइड पे आपको पता ही है जो फंदा जैसा है वैसे हमने बना के कंप्लीट करना है देखिए फिर से हमने यहाँ से जो बनाया था ना उसी को ही स्टार्ट करते हुए जाना है जैसे हमने यहाँ से बनाया था यहाँ तक इसी को हम बनाते हुए जाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से ट्रायंगल शेप में आता जाएगा देखिए इस तरीके से स्टार बन जाएगा तो आपने क्या करना है देखिए यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार पाँच छः छः कलियाँ इसी तरीके से बना लेनी है और ये जो आपका डोर डोरमेट है बन जाएगा तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए इसको आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय